नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो संस्कृति और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है उसका प्रावधान आर्टिकल 29 से शुरू होता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये पहला है आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में कहीं भी कोई निवास कर रहा है, भारतीय नागरिक, अगर उसकी अपनी कोई भाषा है, अपनी कोई लिपि है और अपनी कोई संस्कृति है, तो संविधान उसको संरक्षण देता है और इस तरह से अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने को, उसको आगे बढ़ाने का सरकार नागरिकों को अधिकार देती है। 29 के 2 में है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर राज्य द्वारा पोषित कोई विश्वविद्यालय है, कॉलेज है या कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इन ऐसे किसी भी आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रवेश नहीं मिलेगा। आर्टिकल 30 में है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अलग से अधिकार दिया गया है कि वो अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनको प्रशासित कर सकते हैं। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि और शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये 29 के 1 में है। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो किस धर्म का है और किस अल्पसंख्यक समाज से आधार संबंधित है। तो मतलब जितने भी शिक्षण संस्थाएं होंगी इस तरह की जो संस्कृति और धर्म के आधार पर बनी हुई है, उनको राज्य सहायता देने में सिर्फ इसलिए वो नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा कि वो किस धर्म के हैं। मतलब अगर सहायता देगा तो सबको देगा। ये 30 के 2 में इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो ये थे हमारे जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों, हमने देखा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद हम जो आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।